एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज महा फ्रॉम महा मेकअप मैनिक। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ पीआर पैकेजेस जो कि मुझे रिसीव हुए हैं, कुछ लास्ट मंथ और कुछ इस मंथ के स्टार्ट में रिसीव हुए थे। उन सबको मैंने कलेक्ट किया है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो आज मैं आप लोगों के साथ वन बाई वन सारे पीआर पैकेजेस की अनबॉक्सिंग करूँगी। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगती है तो मेक श्योर सब्सक्राइब माई चैनल, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। कीप वॉचिंग, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट पीआर पैकेज मुझे रिसीव हुआ है द स्किन मस्कुरेडो की तरफ से। द स्किन मस्कुरेडो इंस्टाग्राम का एक पेज है और इनके पेज पे डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट टाइप्स के जो हैं स्किन केयर प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। अगर आपको कोई भी इस तरह की प्रोडक्ट चाहिए जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, या फिर आपको किसी और कंट्री का कोई शीट मास्क, कोई सीरम, कोई स्किन केयर लोशन, कोई स्किन केयर क्रीम, कोई भी इस तरह की प्रोडक्ट चाहिए तो आप इनके पेज पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं। इनके पेज पे बहुत सी वैरायटी है डिफरेंट स्किन केयर प्रोडक्ट्स की। और इनके इंस्टाग्राम का पेज का जो नाम है उसका नाम यही है, द स्किन मस्कुरेडो। तो इनकी तरफ से मुझे ये एक बॉक्स रिसीव हुआ था और इसमें डिफरेंट टाइप्स के शीट मास्क और क्लींजर्स और डिफरेंट टाइप की प्रोडक्ट्स थी। और इसका रिव्यू जो है मैं अपने इंस्टाग्राम पे पहले कर चुकी हूँ। अगर आप लोग इसका डेमो देखना चाहते हैं शीट मास्क का और कंप्लीट रिव्यू, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप सिंपली सर्च कर सकते हैं maha-makeup-manic, आपको मेरा अकाउंट ईजिली मिल जाएगा। उसके साथ साथ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी एक गिव अवे ऑन है, अगर आप लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो विन कर सकते हैं आप एक पीजेस का सेट। अभी मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाती हूँ कि इसमें मुझे क्या क्या प्रोडक्ट्स रिसीव हुई थी। तो ये इनका बॉक्स था, बहुत ही मज़े का ब्यूटीफुल सा ये पैकेजिंग है इनकी। इस बॉक्स को आप ओपन करेंगे, इस बॉक्स पे भी इनके सारे अकाउंट्स मेंशन है, इनका फेसबुक अकाउंट, इनका मेल और उसके अलावा इनकी वेबसाइट, सब चीज़ें जो हैं इनकी, जितने भी लिंक्स हैं वो इनकी पैकिंग पे मेंशन है। जब भी आप ऑर्डर करेंगे तो आपको इसी तरह इस बॉक्स में जो है बहुत ही सेफली अच्छी पैकेजिंग में प्रोडक्ट्स रिसीव होंगी। तो इसको ओपन करने पे मुझे रिसीव हुआ था, इसके बाहर जो है इस तरह का ये एक इनका कार्ड था, आप इसको विजिटिंग कार्ड भी बोल सकते हैं, लेकिन बहुत ही डिफरेंट और यूनिक स्टाइल का ये इनका कार्ड है। इसके ऊपर भी इनके सारे अकाउंट्स मेंशन है, फेसबुक का अकाउंट, वेबसाइट, इंस्टाग्राम का अकाउंट। इस तरह से ये इस रॉक के साथ जो है रैप हुआ हुआ था बॉक्स। इसको आप ओपन करेंगे तो इसके अंदर आपको मिलेंगे इस तरह से डिफरेंट प्रोडक्ट्स। इसमें ये टी ट्री फॉर्मिंग क्लींजर था जो कि मैं यूज़ कर चुकी हूँ, ये जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए इसको सेव किया हुआ था रैपर को। इसको मैंने इंस्टाग्राम के जो रिव्यू वीडियो थी उसमें यूज़ किया था। तो ये है इनका टी ट्री फॉर्मिंग क्लींजर। उसके बाद मुझे ये कुछ स्मॉल साइज़ के सैम्पल्स आप कह सकते हैं ये रिसीव हुए थे। इसमें ये 5% कंट्रोल क्रीम है, उसके बाद इनके ये ग्रो क्रीम है, उसके बाद इनके ये है ग्रो एम्प्यूल्स हैं, सैंपल्स हैं ये सारे। और उसके बाद मुझे रिसीव हुआ था इनका ये टी ट्री क्रीम। तो ये सारी प्रोडक्ट्स अभी मैंने यूज़ नहीं की, इनको भी यूज़ करके मैं जल्दी इंस्टाग्राम पे आप लोग से इसका रिव्यू करूँगी। उसके बाद मुझे रिसीव हुए थे कुछ शीट मास्क, इस तरह से ये इनका ये प्रिंटेड लोगो का एक पेपर है, आप इसको कवर पेपर भी कह सकते हैं। इसके अंदर ये सारे शीट मास्क जो हैं रैप हुए हुए थे अच्छे तरीके से इस तरह से। तो ये 4 टाइप्स के शीट मास्क रिसीव हुए थे, जिसमें से एक जो है मैं यूज़ कर चुकी हूँ, ब्लूबेरी वाला मैंने यूज़ किया है, और ये वाला इनका है नेचुरल मास्क, इस तरह से ये इनका नेचुरल शीट मास्क है। उसके बाद है इनका ये जॉयफुल टाइम एसेंस मास्क, और लास्ट मेरे पास है इनका ये इन्फ्यूज वाटर माइल्ड शीट मास्क जो कि आई थिंक ऑरेंज या लेमन फ्लेवर में है। सारी प्रोडक्ट्स के पीछे जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो कोरियन लैंग्वेज में है, तो इनको रीड नहीं कर सकते आप, आपको इसको अपने अंदाजे से और अपने ही तरीके से इसको यूज़ करना होगा। ये सब शीट मास्क हैं और इनका सबका यूज़ करने का तरीका एक ही है, आपने जस्ट उनको अपने फेस पे अप्लाई करना है और 10 to 20 मिनट के बाद जब मास्क ड्राई हो जाए तो आपने इसको रिमूव कर देना। सेकेंड पीआर पैकेज मुझे रिसीव हुआ था, ये ऑर्गेनिक ब्रांड है ग्लो बोटैनिकल, इनका इंस्टाग्राम पर भी अकाउंट है, फेसबुक पर भी अकाउंट है। और इनकी मुझे सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स रिसीव हुई थी, ये है इनका ग्लो बोटैनिकल का हेयर ऑयल जो कि बेस्ट हेयर ऑयल है फॉर डैंड्रफ, फॉर हेयर लॉस,
और फॉर डैमेज हेयर, फॉर ड्राई हेयर्स, ये ऑल टाइप्स ऑफ हेयर के लिए है, यानी कि आपके हेयर का कोई भी प्रॉब्लम है तो ये उसको सॉल्व करता है। और इसकी प्राइस है 1000 रुपीज़। अगर आप इसको ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे इनकी प्रोफाइल विजिट कर सकते हैं। इनकी प्रोफाइल का नाम है ग्लो बोटैनिकल। मैं ट्राई करूँगी कि इन सारी प्रोडक्ट्स जो भी पीआर पैकेज में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, उन सबके जो अकाउंट्स के लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूँ। अगर आप लोग ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप ऑर्डर कर लें। और अगर आप इन प्रोडक्ट्स का वन बाय वन अलग से रिव्यू देखना चाहते हैं तो इनके सारे रिव्यूज़ जो हैं वो मैंने इंस्टाग्राम पर ऑलरेडी पोस्ट किए हुए हैं। आप वहाँ से जाके इनके लाइव डेमो भी देख सकते हैं और इनके कंप्लीट रिव्यू कैप्शन में मैंने राइट किए हुए हैं प्रॉपर, वहाँ से आप इसको पढ़ भी सकते हैं। तो ये इनकी 200 ml की प्रोडक्ट बॉटल है, सॉरी हेयर ऑयल की। इसके साथ मुझे रिसीव हुआ था इनका ये विटामिन सी मास्क। इस मास्क की प्राइस भी आई थिंक 1000 या 1200 है, मतलब दोनों प्रोडक्ट्स जो हैं 1000-1200 की रेंज में ही हैं। और ये इनका विटामिन सी मास्क है, ग्लो बोटैनिकल का फेस ब्राइटनिंग मास्क है। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, इसको मैंने 3 दफ़ा यूज़ किया है और ये एकदम से जो है इंस्टेंटली आपके फेस पे ग्लो देता है और आपकी स्किन को टाइट करता है, आपकी डल स्किन को ये एकदम से फ्रेश लुक देता है। इसकी प्राइस भी 1000-1000 रुपीज़ है। ये विटामिन सी मास्क है और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें ऑरेंज यूज़ हुआ हुआ है और उसके अलावा डिफरेंट प्रोडक्ट्स इनमें यूज़ हुई हैं। और इसको यूज़ कैसे करना है, इसको आपने दूध के साथ इस पाउडर को आपने 2-3 स्पून आपने लेने हैं मिल्क के, उसके अंदर आपने इसको मिक्स करना है पाउडर को और आपने अपने फेस पर सिंपली अप्लाई कर लेना है। और इस ऑयल को यूज़ करने का मेथड ये है कि इसको आपने जस्ट अपने स्कैल्प में थोड़ा सा आपने हैंड पे लेके फिंगर पे इसको रब करके स्कैल्प में आपने इसका मसाज करनी है और उसको 3 से 4 घंटे के लिए आपने छोड़ देना है। और इसको भी मैंने 3 दफ़ा यूज़ किया है, अभी भी मैंने इसको अप्लाई किया हुआ है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। हेयर फॉलिंग एकदम से नहीं कंट्रोल करेगा ऑब्वियसली, इसको पूरा यूज़ करने के बाद ही कोई रिजल्ट मिलेगा, लेकिन इसको यूज़ करने के बाद मेरे हेयर काफ़ी हद तक जो ड्राई थे वो मुझे शाइनी और फ्रेश फील हुए हैं। तो ये दोनों प्रोडक्ट्स भी बहुत ज़बरदस्त हैं, आप इसको भी अगर ट्राई करना चाहते हैं तो ज़रूर इनके पेज को विजिट करें। पेज का नाम है ग्लो बोटैनिकल। प्राइस है इनकी 1000 रुपीज़, 1200 इसी रेंज में ये दोनों प्रोडक्ट्स हैं। दोनों की प्राइस अलग अलग 1000 है, दोनों प्रोडक्ट्स 1000 की नहीं है। थर्ड पीआर पैकेज मुझे रिसीव हुआ था ब्यूटी बेंच ब्रांड की तरफ से। ये भी इंस्टाग्राम का एक अकाउंट है, आई डोंट नो इनका फेसबुक पे अकाउंट है या नहीं है। इन्होंने मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू अप्रोच किया था और इंस्टाग्राम पे मैंने इनके साथ कोलैबोरेशन की थी। इन दोनों प्रोडक्ट्स की वीडियो और कंप्लीट रिव्यू भी इंस्टाग्राम पे पोस्टेड है। आप लोग ज़रूर मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें बिकॉज इंस्टाग्राम पे मैं डेली जो इस तरह की एक दो छोटी मोटी प्रोडक्ट्स होती हैं उनका रिव्यू पोस्ट करती रहती हूँ और प्रॉपर वीडियो ट्यूटोरियल के साथ पोस्ट करती हूँ। इनका रिव्यू भी वहाँ पे पोस्ट मैं कर चुकी हूँ। ये प्रोडक्ट्स मुझे आई थिंक 2 मंथ्स पहले रिसीव हुई थी और इनको भी मैंने अभी तक इतना यूज़ नहीं किया। कॉफ़ी मास्क मैंने 3 से 4 दफ़ा यूज़ किया, शैम्पू मैंने जस्ट 1 दफ़ा ट्राई किया था फॉर रिव्यू। शैम्पू मुझे कुछ इतना खास नहीं लगा। और ये शैम्पू है जो है ये बेसिकली डिज़ाइन किया गया है हेयर को शाइन करने के लिए, हेयर की ग्रोथ के लिए। मैंने इसको 1 दफ़ा यूज़ किया है, आप देख सकते हो कि अभी बॉटल ये कम्प्लीट फुल है। इसकी प्राइस 800 समथिंग है। ब्रांड का नाम है ब्यूटी बेंच। और इसको यूज़ करने के बाद मुझे फील हुआ कि मेरे हेयर जो है वो एक्स्ट्रा ड्राई हो गए हैं, तो इस वजह से मैंने इसको और मज़ीद यूज़ नहीं किया। ये मुझे तकरीबन 2 मंथ्स बैक रिसीव हुआ था। और इसके साथ रिसीव हुआ था मुझे ब्यूटी बेंच का ये कॉफ़ी मास्क जो कि आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, स्किन को ब्राइटन अप देता है, टाइट करता है। और ये हैंड ब्लेंडेड कोको मास्क है और इसको मैंने यूज़ किया है तकरीबन 4 से 5 बार यूज़ किया, ये आप देख सकते हो। फ्रेगनेंस जो है इसकी उस टाइप के, इस तरह इसमें कोई मैंथोल वगैरह ऐड हुआ हो, लेकिन इसके इंग्रेडिएंट्स में इस तरह की कोई प्रोडक्ट मेंशन नहीं है। हनी लेमन और कोको पाउडर के साथ ये मास्क जो है वो बनाया गया है, 100% ऑर्गेनिक है और इसमें कोई सही प्रोडक्ट यूज़ नहीं की गई जो कि आपकी स्किन पे कोई साइड इफेक्ट दे। तो इस मास्क को आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, इस मास्क के भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। और इस कॉफ़ी शॉट मास्क बाय ब्यूटी बेंच इसकी प्राइस है 1000 रुपीज़। अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो इस ब्रांड का जो इंस्टाग्राम लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूँगी। नेक्स्ट पीआर पैकेज मुझे रिसीव हुआ था स्पा इन ए बोटल की तरफ से। ये भी इंस्टाग्राम का एक अकाउंट है, इंस्टाग्राम पे इनका 2 अकाउंट्स हैं, आप वो सर्च करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएंगे। इनकी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं, इनकी प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक तो नहीं है। और बेसिकली ये जो ब्रांड है ये डील करता है डिफरेंट टाइप्स के क्ले मास्क में और स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं। इनकी बहुत ज़्यादा सीरम्स हैं, आई सीरम है, लैश सीरम है, ग्लो सीरम है, 24 के गोल्ड सीरम है, डिफरेंट टाइप्स के सीरम्स जो हैं वो अवेलेबल हैं इनके पेज पर। और इनकी तरफ से मुझे पीआर पैकेज रिसीव हुआ था, मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ कि मुझे क्या क्या प्रोडक्ट्स रिसीव हुई थी।
और इस इनकी प्रोडक्ट्स का भी रिव्यू मैं प्रॉपर जो है ट्यूटोरियल के साथ इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर चुकी हूँ। आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें और वहाँ जाके आप इसका ट्यूटोरियल भी देख सकते हैं, क्योंकि मैं एक एक प्रोडक्ट जो है माइनर सी प्रोडक्ट्स का यूट्यूब पे सेपरेट से एक एक वीडियो नहीं पोस्ट कर सकती, तो इस वजह से मैं शॉर्ट ट्यूटोरियल्स जो है 59 सेकंड के विद रिव्यू कैप्शन इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देती हूँ। तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे तो आपके लिए भी ईजी होगा, वहाँ से आके ईजिली 59 सेकंड का वीडियो देख के आप इनका रिव्यू देख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास है ये स्पाइन बॉटल की हीलिंग क्ले मास्क। पैकेजिंग जो है इन प्रोडक्ट्स की बहुत अच्छी है, लग्जरियस है, लेकिन इसको ओपन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। आप इसको ओपन करेंगे तो इसको बंद करना बहुत मुश्किल है, यानी कि बहुत टाइटली जो है ये, फिर ओपन आप करेंगे जब आप इसको दोबारा से बंद करेंगे तो बहुत टाइटली जो है इसका जो कैप है वो स्ट्रक हो जाता है एक जगह पर, बहुत मुश्किल से इसको बंद करना पड़ता है। ओवरऑल प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, ये भी ग्रे टाइप का कोई पाउडर है और इसमें भी डिफरेंट टाइप्स के इस तरह के इंग्रेडिएंट्स ऑर्गेनिक ऐड किए हुए हैं जो कि आपकी स्किन को हील करते हैं, आपकी स्किन को इम्प्रूव करते हैं, ब्राइट करते हैं और टाइट करते हैं। और आपके फेस पे अगर कोई ब्लेमिशेस मार्क्स हैं, आपके कोई फाइन लाइंस हैं, तो उसको ये इम्प्रूव करेगा। और इस क्ले मास्क की प्राइस भी आई थिंक 800 और 700 या 1000 के अराउंड इसकी प्राइस है। आप इंस्टाग्राम पे इनका पेज जो है वो सर्च करके इसकी प्राइस चेक कर सकते हैं कि इसकी क्या प्राइस क्या है, 700 या 800 आई थिंक इसकी प्राइस है। उसके बाद सेकंड प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुई थी इनकी, ये यूथफुल ग्लो सीरम। इसको मैं तकरीबन अपने 4 से 5 मेकओवर में भी यूज़ कर चुकी हूँ और इसको मैं अभी आजकल नाइट टाइम रूटीन में यूज़ कर रही हूँ। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, आपकी स्किन पे जो है एक्स्ट्रा ग्लो देता है क्योंकि ये ग्लो सीरम है। इसके स्पाइन बॉटल के 2 टाइप्स के सीरम्स हैं, ग्लो सीरम अलग है और 24 के गोल्ड सीरम अलग है। तो ये वाला जो सीरम है ये इनका यूथफुल ग्लो सीरम है, तो इसका जो इसको डिज़ाइन करने का जो मकसद है वो यही है कि ये आपकी स्किन पे ग्लो देगा और वाकई इसका बहुत अच्छा रिजल्ट्स है। उसके बाद मुझे रिसीव हुआ था, इसकी प्राइस ग्लो सीरम की मुझे नहीं याद सही तरह से, तीनों प्रोडक्ट्स की प्राइस जो है वो अंडर 1000 ही है। आप जाके इनके पेज पे इनकी एग्जैक्ट प्राइसेस चेक कर सकते हैं। और लास्ट प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुई थी इनका ये एंटी एक्नी सीरम, बहुत स्मॉल सी बॉटल है, इसकी प्राइस भी आई थिंक 500-600 रुपीज़ है। और इसका रिव्यू भी मैंने इंस्टाग्राम पे किया है। ये सीरम जो है मुझे कुछ इतना खास इसका रिजल्ट नहीं लगा, क्योंकि ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है फॉर एक्नी। काफ़ी मेरे इस एरिया पे जो है एक्नी हुई थी लास्ट 2 वीक्स बैक, और इसको मैंने एक्नी पे यूज़ किया, तकरीबन 1 हफ्ता रेगुलर यूज़ किया लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं लगा, यानी कि एक्नी जो थी उसने जब जाना था तब भी वो गई, उससे पहले वो नहीं गई, मतलब कि इस सीरम का मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो जब मैंने उनके पेज से कंसर्न किया तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि इस सीरम को मैं नॉर्मली यूज़ ना करूँ, इसको मैं रात को सोने से पहले अप्लाई करूँ अपने एक्नी वाले पार्ट पे। अब मैं इसको जो है रात के टाइम में यूज़ करूँगी, उसके बाद मैं आप लोगों को इंस्टाग्राम पे बताऊँगी कि मुझे इसका रिजल्ट मिला है फर्दर या नहीं मिला। इसकी प्राइस भी 1000 के अंडर ही है, यानी कि 600-700 अराउंड इसकी प्राइस है। क्वांटिटी इसमें जो है प्रोडक्ट की वो आई थिंक 10 ml या 5 ml है, बहुत स्मॉल सी बॉटल है, ये आपकी 5 ml की प्रोडक्ट है, इसमें ये 5 ml की बॉटल है। और दोनों सीरम जो हैं उनके ऊपर ये इस तरह का एक फॉर्म जो होता है ये अवेलेबल है, आप इजीली इसमें से जितनी प्रोडक्ट आपको चाहिए आप इसको यूज़ कर सकते हो, 1 drop 2 drops, यानी कि इसमें आपकी प्रोडक्ट वेस्ट नहीं होती बिल्कुल भी। इसी तरह से इनका ये जो ग्लो सीरम है इसकी पैकिंग भी बहुत अच्छी है, बहुत फाइन क्वालिटी की पैकिंग है, मिरर ग्लास बॉटल है इनकी, इसके ऊपर भी इस तरह का फॉर्म अवेलेबल है। नेक्स्ट पीआर पैकेज मुझे रिसीव हुआ था, इंस्टाग्राम का एक ब्रांड है जिनका इंस्टाग्राम प्रोफाइल का नाम है एलिगेंट फाइंड्स, वो खुद एक ब्लॉगर हैं और मेकअप आर्टिस्ट हैं आई थिंक, उनका ये ब्रांड है और उन्होंने मुझे ये सेंड किया था अपना लिप स्क्रब। और बेसिकली इनकी और प्रोडक्ट्स नहीं है, इनकी अभी सिर्फ एक ही प्रोडक्ट लॉन्च हुई है और इनके ब्रांड का नाम है स्क्रबलिशियस। स्क्रबलिशियस यानी कि ये सिर्फ स्क्रब्स में इनकी जो पेज पे अवेलेबल है सारी वैरायटी वो स्क्रब से रिलेटेड है, और लिप स्क्रब इनका जो है ये फर्स्ट प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च की है। और इस तरह से ये ब्यूटीफुल रैप में मुझे इनका लिप स्क्रब जो है वो रिसीव हुआ था, इसको मैं बहुत दफ़ा यूज़ कर चुकी हूँ, इसको मैंने अगेन रैप किया है आप लोगों को दिखाने के लिए। अभी मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ कि इसमें क्या प्रोडक्ट है, इसकी क्या प्राइस है। तो इसको ओपन करने में मुझे रिसीव हुआ था ये क्यूट सा हैंड रिटन नोट, इसके ऊपर इसका सारा मेथड मेंशन है कि आपने इस लिप स्क्रब को किस तरह से यूज़ करना है। उसके बाद इनका ये एक विजिटिंग कार्ड है जिसके ऊपर इनके सारे स्क्रब्स के जो हैं लोगो मेंशन है, पिक्चर्स,
और उसके बाद जो इनकी ऑनर है उनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का नाम है एलिगेंट फाइंड्स और उनका रियल नेम है एमन शानजे एमन और यहाँ पे इनका व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर भी मेंशन है। तो अगर आप इनसे लिप स्क्रब्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप इनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल को विजिट कर सकते हैं और अपना ऑर्डर दे सकते हैं। और आई थिंक इस लिप स्क्रब की प्राइस है 400 और 450 अराउंड इतनी ही है और डिलीवरी चार्जेस अप्लाई होंगे 150 to 200 rupees। अगर आप लोग इस लिप स्क्रब को ऑर्डर करना चाहते हैं तो आपने विजिट करना है एमन का इंस्टाग्राम अकाउंट जिसका नाम है एलिगेंट डैश पॉइंट्स। यहाँ पे मेंशन है, मैं आपको अगेन दिखा देती हूँ। तो ये है एलिगेंट फाइंड्स का फर्स्ट प्रोडक्ट लेवेंडर लिप स्क्रब। इसमें और भी डिफरेंट फ्लेवर्स अवेलेबल हैं, इसमें चॉकलेट फ्लेवर अवेलेबल है, इसमें आपका स्ट्रॉबेरी, उसके अलावा कॉफ़ी, उसके अलावा आई थिंक आइस वाला भी एक फ्लेवर है। तो इनके डिफरेंट टाइप्स के फ्लेवर अवेलेबल हैं इस लिप स्क्रब में। आप चाहें तो अपने चॉइस का कोई भी फ्लेवर जो है वो सिलेक्ट करके ऑर्डर कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे सेंड किया है ये लेवेंडर लिप स्क्रब, ये लेवेंडर फ्लेवर में है। फ्रेगनेंस इसकी बहुत ज़बरदस्त है, पैकेजिंग इसकी बहुत क्यूट है, छोटा सा ये स्मॉल सा टब साइज इसकी प्लास्टिक की पैकेजिंग है। इसके ऊपर इनका यहाँ लोगो मेंशन है लेवेंडर स्क्रब का। इसको ओपन करने पे आपको मिलेगा ये क्यूट सा टू कलर्स का स्क्रब। फ्रेगनेंस इसकी बहुत मजे की है, टेक्सचर इसका बहुत फाइन है, बिल्कुल भी अप्लाई करने के बाद ऐसे नहीं लगता कि आपके लिप्स पे आपने कुछ लाइक इस तरह का स्क्रबिंग आप कर रहे हो कि आपके जो लिप्स की जो आपकी स्किन है वो डैमेज होगी या कुछ भी इस तरह का। वो बहुत फाइन क्वालिटी का ये ग्राइंड हुआ हुआ स्क्रब है। शुगर और डिफरेंट टाइप के फ्लेवर इसमें ऐड किए हुए हैं। आई डोंट नो क्या ऐड किया हुआ है क्योंकि इसके ऊपर इंग्रेडिएंट्स मेंशन नहीं है, लेकिन जो इसका टेक्सचर है उससे यही पता चलता है कि इसमें शुगर यूज़ की गई है। और इसको यूज़ करने के बाद आपके लिप्स बहुत ज़्यादा जो है ग्लो करते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्लम्प और सॉफ्ट फील होता है इसको यूज़ करने के बाद। जस्ट आपने थोड़ी सी अमाउंट लेनी है अपनी फिंगर पे या फिर आप अपने टूथब्रश यूज़ कर सकते हैं, फिर आपने जस्ट स्क्रबिंग करनी है, उसके बाद आपने वॉश कर लेना। नेक्स्ट पीआर पैकेज मुझे रिसीव हुआ है इंस्टाग्राम के एक अकाउंट से जो कि मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है ब्यूटी बाय आयशा। काफ़ी टाइम से इंस्टाग्राम पे मेरे साथ ऐड हैं और रिसेंटली उसने अपना ऑनलाइन मेकअप सेलिंग पेज ऑन किया है और बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स हैं बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। तो ये पीआर पैकेज मुझे रिसीव हुआ है इंस्टाग्राम अकाउंट से जिसका नाम है ब्यूटी बाय आयशा। अभी मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ कि मुझे क्या क्या प्रोडक्ट्स रिसीव हुई हैं। और ये ओरिजिनल मेकअप स्टफ नहीं है, इनके पास सारी डूप्स हैं। और अगर आपको किसी भी अच्छे ब्रांड का कोई भी डूप चाहिए रीजनेबल रेट्स में तो आपने इनका पेज विजिट करना है। और आपको कोई भी प्रोडक्ट अगर पेज पर अवेलेबल नहीं है तो आप इनको डायरेक्ट DM कर सकते हैं और DM आप करेंगे तो ये आपको वो प्रोडक्ट जो है अरेंज करके दे देंगे किसी भी ब्रांड का अगर आपको डूप चाहिए। ये इनका विजिटिंग कार्ड है, ये मैं आपको क्लोज करके दिखा देती हूँ। उसके ऊपर इनका इंस्टाग्राम अकाउंट मेंशन है, इनका फेसबुक और उसके अलावा इनका कॉन्टैक्ट नंबर। सो ब्यूटी बाय आयशा ने मुझे सेंड किया है पीआर पैकेज में एनेस्थेसिया का एम्ब्रीजे हाइलाइटर। ये ओरिजिनल नहीं है, ये डूप है। प्राइस मुझे इन सब प्रोडक्ट्स की नहीं पता, आप उनकी प्रोफाइल जब विजिट करेंगे इंस्टाग्राम पे तो वहाँ पे ये सारी प्रोडक्ट्स की पिक्स भी मेंशन है और इनकी प्राइस भी मेंशन है। तो सबसे पहले मुझे रिसीव हुआ है ये इनका हाइलाइटर एनेस्थेसिया का, ये एम्ब्रीजे जो है हाइलाइटर है डूप है और इस तरह से इसकी पैकेजिंग है। इसकी पैकेजिंग टेक्सचर अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप इसकी डूप यूज़ कर रहे हैं, यानी कि बहुत हाई क्वालिटी की डूब है। और इस तरह से ये ओपन होता है, अभी मैं आपको इसका स्वैच भी दिखा देती हूँ। इसके अंदर एक क्यूट सा मिरर अवेलेबल है और ये है आपका हाइलाइटर। इसको आप जस्ट थोड़ा सा टच करोगे और आप इसका पिगमेंटेशन देखो, और आपको मैं इसका स्वैच भी दिखा देती हूँ। बहुत ही क्रीमी और फाइन और क्रीमी टेक्सचर का ये हाइलाइटर है। आप इसको ब्रश के साथ भी यूज़ कर सकते हो, आप इसको अगर फिंगर के साथ भी अप्लाई करते हो तो इसकी बहुत ज़बरदस्त पिगमेंटेशन है। मैंने इसको अप्लाई भी किया हुआ है, आप ग्लो देख सकते हो। और ये बहुत रीजनेबल प्राइस में आई थिंक 400 या 350 rupees का ये एम्ब्रीजे हाइलाइटर है। पैकेजिंग आप इसकी देख सकते हो, बिल्कुल सिमिलर है ओरिजिनल वंस के साथ। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते 6000-8000 का हाइलाइटर तो आप ज़रूर इनके पेज को विजिट करें और आप इसकी फर्स्ट कॉपी को परचेज कर सकते हो। और बहुत फाइन क्वालिटी की पैकेजिंग है। स्वैच आप देख सकते हो कि कितना क्रीमी हाइलाइटर है, बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा कि ये डूप है या ओरिजिनल है।
नेक्स्ट प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुई थी ये हुदा ब्यूटी की इलेक्ट्रिक ऑब्सेशन लिटिल पैलेट, बहुत ही क्यूट छोटी सी पैलेट है और इसकी प्राइस है 500 रुपीज़। यहाँ पे इसका स्टिकर मेंशन है, मैं आपको क्लोज करके दिखा देती हूँ। ये पैलेट आपको मिलेगी 500 रुपीज़ की और बहुत ही क्यूट छोटी सी पैलेट है, इजी टू कैरी है। आप इसको आराम से अपने हैंड बैग में क्लच में लेके जा सकते हो कहीं पे भी। इसके अंदर भी ये क्यूट सा एक छोटा सा जो मिरर अवेलेबल है और मिरर के साथ यहाँ पे आपको मिलेंगे ब्यूटीफुल से कलर्स। 9 शेड्स हैं इस पैलेट में और क्यूट सी पैलेट है, हुदा ब्यूटी की इलेक्ट्रिक ऑब्सेशन है। इसमें भी डिफरेंट टाइप्स की इनके पास कलेक्शन अवेलेबल है, आपको इसमें और भी जो हुदा ब्यूटी की कलेक्शन है उसकी डूब्स में मिल जाएंगी और बहुत रीजनेबल प्राइस में। ये इलेक्ट्रिक ऑब्सेशन पैलेट जो है डिफरेंट पेजेस पे 800-1000 की सेल हो रही है, लेकिन ब्यूटी बाय आयशा के पेज पे आपको मिलेगी जस्ट 8 रुपीज़ 500। और पैकेजिंग आप देख सकते हो, मटेरियल देख सकते हो कि ये लो क्वालिटी के डूब्स नहीं है, हाई क्वालिटी के जो है दुबई इम्पोर्ट डूब्स हैं। ये बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, इनको यूज़ करने के बाद कोई आपको साइड इफेक्ट नहीं होगा, कुछ भी इस तरह का इशू नहीं होता डूब्स यूज़ करने से। जितना लोग कहते हैं कि डूब्स यूज़ कर रहे हो आपकी स्किन ख़राब हो जाएगी, ये वो इस तरह की कोई बात नहीं है। हाँ, अगर आप डूब यूज़ कर रहे हो तो आप ज़रूर देख लो कि उसकी क्वालिटी कैसी है। डूब्स में भी डिफरेंट टाइप्स की क्वालिटीज़ आती हैं, ये बहुत ही फाइन और अच्छी क्वालिटी के डूब्स हैं और इनको भी मैं पर्सनली खुद यूज़ कर रही हूँ। इसके भी मैं आपको एक दो शेड्स के स्वैचेस दिखा देती हूँ, जस्ट मैंने इनको लाइट से टच किया है और आप ये स्वैच देख सकते हो, सुपर पिगमेंटेड और क्रीमी आई शेडोज हैं। मैट भी मैं आपको स्वैच करके दिखा देती हूँ, ये इनका मैट कलर है। इस प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुई थी ये डर्माकोल के ग्लिटर लाइनर्स, इसमें से सिल्वर वाला ग्लिटर लाइनर मैंने अभी अपने आईज पे अप्लाई किया हुआ है, आप देख सकते हो लॉन्ग लास्टिंग है और बहुत ही ज़बरदस्त ग्लिटर लाइनर्स हैं। इनकी प्राइस मुझे नहीं पता, तो मुझे उन्होंने सेंड किए थे सिर्फ 2 शेड्स में, अभी मेरे पास अवेलेबल हैं ग्रीन और सिल्वर में। इनकी प्राइस और अगर आप इनको ऑर्डर करना चाहते हो तो आप ब्यूटी बाय आयशा का इंस्टाग्राम पेज विजिट कर सकते हो, इनका यूट्यूब चैनल भी है, उस पर भी ये डिफरेंट टाइप्स की वीडियोज जो हैं पोस्ट करती रहती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको स्वैच दिखा देती हूँ ग्रीन का और सिल्वर का। लास्ट प्रोडक्ट्स जो मुझे रिसीव हुई हैं वो है मॉर्फी की डूप लिपस्टिक्स और इन लिपस्टिक्स के कंप्लीट रिव्यू और स्वैचेस की कंप्लीट वीडियो जो है वो मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर चुकी हूँ। अगर आप इनके स्वैचेस देखना चाहते हैं, इनका कंप्लीट रिव्यू देखना चाहते हैं, तो आप इंस्टाग्राम पे मेरी प्रोफाइल विजिट कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैंने इन सब लिपस्टिक्स की जो है प्रॉपर एक स्वैचेस ट्यूटोरियल पोस्ट किया और कंप्लीट रिव्यू के साथ। इसकी प्राइस भी मुझे कन्फर्म नहीं है कि इन डूप्स की क्या प्राइस है। ये मॉर्फी ब्रांड के मैट लिक्विड लिपस्टिक्स हैं और डूप्स हैं। एक मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ कि इसकी पैकेजिंग किस तरह की है। तो ये 5 कलर्स जो हैं मुझे रिसीव हुए थे, इनमें से जो ये सो क्यूट कलर है ये भी मैंने अप्लाई किया हुआ है। इस तरह की इनकी पैकेजिंग है, बुलेट लिपस्टिक्स हैं, बहुत ही फाइन क्वालिटी की लिपस्टिक्स हैं और सुपर अफोर्डेबल हैं। आप ज़रूर इनके पेज को विजिट करें और आप इनके प्रोडक्ट्स देखें। अभी मैं आपको इस कलर का स्वैच करके दिखा देती हूँ, आपको पता चल जाएगा कितना क्रीमी कलर है ये। लॉन्ग लास्टिंग नहीं है ये लिपस्टिक, ऑब्वियसली ये बुलेट लिपस्टिक्स हैं, लिक्विड मैट लिपस्टिक्स नहीं है, लेकिन 3 to 4 hours ही इजीली आपके लिप्स पे स्टे करती हैं। उसके बाद आपको एक दफ़ा इसको अगेन कोट करना पड़ेगा। सुपर क्रीमी टेक्सचर है, इनकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है और कहीं से भी स्प्रेड नहीं होती। आप खाना खाएं, आप बात करें, किससे बिल्कुल भी आपकी लिपस्टिक जो है वो स्मज आउट नहीं होगी। जो रिसीव हुई हैं वो है मॉर्फी की डूप लिपस्टिक्स और इन लिपस्टिक्स के कंप्लीट रिव्यू और स्वैचेस की कंप्लीट वीडियो जो है वो मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर चुकी हूँ। अगर आप इनके स्वैचेस देखना चाहते हैं, इनका कंप्लीट रिव्यू देखना चाहते हैं, तो आप इंस्टाग्राम पे मेरी प्रोफाइल विजिट कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैंने इन सब लिपस्टिक्स की जो है प्रॉपर एक स्वैचेस ट्यूटोरियल पोस्ट किया और कंप्लीट रिव्यू के साथ। इसकी प्राइस भी मुझे कन्फर्म नहीं होती क्या प्राइस है। ये मॉर्फी ब्रांड के मैट लिक्विड लिपस्टिक्स हैं और डूप्स हैं। एक मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ कि इसकी पैकेजिंग किस तरह की है। तो ये 5 कलर्स जो हैं मुझे रिसीव हुए थे,
इनमें से जो ये सो क्यूट कलर है ये भी मैंने अप्लाई किया हुआ है। इस तरह की इनकी पैकेजिंग लिपस्टिक्स हैं, बहुत ही फाइन क्वालिटी की लिपस्टिक्स हैं और सुपर अफोर्डेबल हैं। आप ज़रूर इनके पेज को विजिट करें और आप इनकी प्रोडक्ट्स देखें। अभी मैं आपको इस कलर का स्वैच करके दिखा देती हूँ, आपको पता चल जाएगा कि इतना क्रीमी कलर है ये। लॉन्ग लास्टिंग नहीं है ये लिपस्टिक, ऑब्वियसली ये बुलेट लिपस्टिक्स हैं, लिक्विड मैट लिपस्टिक्स नहीं है, लेकिन 3 to 4 hours ये इजिली आपके लिप्स पे स्टे करती हैं। उसके बाद आपको एक दफ़ा इसको अगेन कोट करना पड़ेगा। सुपर क्रीमी टेक्सचर है, इनकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है और कहीं से भी स्प्रेड नहीं होती। आप खाना खाएं, आप बात करें, किससे बिल्कुल भी आपकी लिपस्टिक जो है वो स्मज आउट नहीं होगी। नेक्स्ट पीआर पैकेज है मेरे पास ब्यूटी बीट्स कॉस्मेटिक्स का, जो कि एक ऑनलाइन सेलिंग पेज है इंस्टाग्राम का। और ब्यूटी बीट्स जो है वो डील करते हैं ओरिजिनल मेकअप स्ट्रिप में। इनके पेज पे कोई डूप अवेलेबल नहीं है, जो भी प्रोडक्ट आप ऑर्डर करोगे वो 100% ओरिजिनल है। इनका पीआर पैकेज मुझे लास्ट वीक रिसीव हुआ था और इन्होंने मुझे 4 प्रोडक्ट सेंड की हैं, मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। इस तरह से मुझे ये पीआर पैकेज रिसीव हुआ था, अच्छी तरह से रैप प्रोडक्ट्स बबल रैप में। और अभी आज जो मैंने फाउंडेशन अप्लाई किया हुआ है वो ये वाला फाउंडेशन है। ये फाउंडेशन है रूट कॉस्मेटिक का फाउंडेशन प्लस कंसीलर। इस फाउंडेशन को अप्लाई करके आपको किसी कंसीलर को, किसी भी चीज़ को भी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ये 2-in-1 फाउंडेशन है। प्राइस इसकी आई थिंक 1250 या 1300 के अराउंड है। आप ब्यूटी बीट्स का इंस्टाग्राम अकाउंट विजिट कर सकते हैं, उसके अलावा आप ब्यूटी बीट्स को अगर सर्च करते हैं गूगल पे भी तो वहाँ पे आपको इनकी वेबसाइट मिल जाएगी। आप वहाँ पे वेबसाइट पे जाके इन सारे ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स के जो हैं वो प्राइजेस वगैरह देख सकते हैं। और ये है इनका डबल ट्रबल रूट फाउंडेशन प्लस कंसीलर, इस तरह से इसकी पैकेजिंग है। प्राइस इसकी आई थिंक 1200 to 300 है। अगर आप इन सारी प्रोडक्ट्स का अलग से रिव्यू देखना चाहते हैं, इनका रिव्यू मैंने अभी तक नहीं किया, या फिर आप देखना चाहते हैं इन सारी प्रोडक्ट्स के साथ एक मेकअप ट्यूटोरियल, तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं इन सारी प्रोडक्ट्स का कंप्लीट रिव्यू और ट्यूटोरियल आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूँगी। और ये है इनका रूट फाउंडेशन इन शेड नेचुरल, इस तरह से इसकी पैकेजिंग है और इसमें एक प्लास्टिक की ये ट्यूब है। अभी मैंने यही वाला फाउंडेशन अप्लाई किया हुआ है, आप देख सकते हो इसकी कवरेज, फुल कवरेज फाउंडेशन है। 1200 इसकी प्राइस है, 1200 to 1300 के अराउंड। और उसके अलावा ये फाउंडेशन प्लस कंसीलर है, इसको अप्लाई करने के बाद आपको किसी कंसीलर को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है और आप सिर्फ इस फाउंडेशन को एज अ कंसीलर भी यूज़ कर सकते हो। ये मुझे रिसीव हुई हैं सेम ब्रांड की, ये नायका की प्रोडक्ट्स हैं तीनों। और ये है रूट फाउंडेशन, रूट कॉस्मेटिक का फाउंडेशन प्लस कंसीलर डबल ट्रबल। तो ये प्रोडक्ट्स जो हैं इसमें मुझे रिसीव हुआ है ये नायका का एक ब्लश पैलेट जिसमें 2 shades हैं, इसमें से जो ऑरेंज वन है ये मैंने अभी अप्लाई किया हुआ है। और उसके बाद मुझे इनकी ये क्रीम लिपस्टिक रिसीव हुई थी, विटामिन ई क्रीम लिपस्टिक। शेड इसका जो है वो ब्राउनिश टाइप का है, जब आप इसको अप्लाई करोगे तो ये बिल्कुल भी फील नहीं होती कि आपके लिप्स पे कोई लिपस्टिक शेड आपने अप्लाई किया हुआ है, बिल्कुल लाइट सा नूड शेड है। ये ट्रांसपेरेंट टाइप इसका शेड है, देखने में यहाँ पे आपको ब्राउन लग रहा होगा लेकिन जब आप इसको अप्लाई करोगे तो बिल्कुल एक नेचुरल सी टोन आती है जैसे आपके नेचुरल लिप का कलर होता है। ये इसका स्वैच है। और लास्ट प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुई थी नायका की न्यूयॉर्क टेराकोटा आई शेडो, ये बेक्ड आई शेडो है। इसकी प्राइस भी 400-500 के अराउंड है और इस तरह से इसकी पैकेजिंग है। और इसमें जो है 3 shades अवेलेबल हैं टेराकोटा के, इसमें ये एक ऑरेंज है, एक ब्राउन है और एक पिंक है। इसको आप एज अ आई शेडो भी यूज़ कर सकते हो, आप इसको एज अ शिमरी ब्लशन भी यूज़ कर सकते हो और आप इसको एज अ हाईलाइटर भी यूज़ कर सकते हो। और ये है इसके स्वैच। इस वाले शेड को आप एज अ हाईलाइटर भी यूज़ कर सकते हो और बाकी शेड्स को आप एज अ ब्लशन भी यूज़ कर सकते हो और आप इसको एज अ आई शेडो भी यूज़ कर सकते हो। लास्ट पीआर पैकेज जो है वो है मेरे पास प्योरन कॉस्मेटिक का फेशियल, जिसमें स्मॉल साइज फेशियल जो है वो मुझे तकरीबन 2 months बैक रिसीव हुआ था, जिसकी अनबॉक्सिंग मैंने आप लोगों के साथ प्योरन कॉस्मेटिक्स की बेसिस के साथ की थी। और अभी मुझे कुछ दिन पहले उनका लार्ज साइज फेशियल रिसीव हुआ है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि मैं उस पूरे फेशियल का रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँ भी डेमो, तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है।
और उसके साथ अगर आप लोग विन करना चाहते हैं प्योर कॉस्मेटिक का पूरा कंप्लीट फेशियल सेट, तो आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो करना है। वहाँ पे मैं जल्दी इस कंप्लीट फेशियल का एक गिव अवे पोस्ट करूँगी, उसमें आप विन कर सकते हैं प्योर कॉस्मेटिक का ये फुल साइज का फेशियल, जिसमें आपको मिलेंगी 6 to 7 आइटम्स फेशियल की। उसके अलावा इनका टोनर, क्लींजर, इस तरह से ये इनकी प्रोडक्ट्स हैं। और अभी मैं आपको वन बाय वन अगर दिखाऊंगी सारे प्रोडक्ट्स तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो ये इस तरह से इनकी प्रोडक्ट्स हैं, इनका टोनर है, उसके अलावा ये इनकी फुल साइज़ की मसाज क्रीम है, स्किन पॉलिश है, ब्लीच है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं इनकी। तो अगर आप विन करना चाहते हैं ये सारी प्रोडक्ट्स को, तो आपने मुझे फॉलो करना है मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर। मैं जल्दी गिव अवे पोस्ट करूँगी जिसमें आप विन कर सकते हैं प्योर कॉस्मेटिक का ये कम्प्लीट फेशियल सेट। सो गाइज, ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप सो कि आप लोग बोर नहीं हुए होंगे और आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। ये मिनी हॉल था एक टाइप का, पीआर पैकेजेस का अनबॉक्सिंग वीडियो थी। आई होप सो कि आप लोगों ने इन्जॉय की होगी। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आपने करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आप प्योर कॉस्मेटिक का फेशियल का रिव्यू देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते। अगर देखना चाहते हैं तो भी शेयर करूंगी, अगर नहीं देखना चाहते तो भी मैं शेयर करूंगी। और प्योर कॉस्मेटिक का मैंने बेस का रिव्यू किया था और आई शेडोज का रिव्यू किया था, वो वीडियो जो है मैंने एक सॉन्ग ऐड किया था और सॉन्ग जो था उस पर कॉपीराइट क्लेम इशू आ रहा है, तो वो वीडियो मैंने अपने इंस्टाग्राम से यूट्यूब से डिलीट कर दी है। उस वीडियो को मैं अगेन रीशूट करूंगी और अगेन आप लोगों से शेयर करूंगी। अगर किसी ने नहीं भी देखी तो मैं न्यू वीडियो शूट करूंगी, तो आप लोग उसमें देख सकते हैं प्योर कॉस्मेटिक की मैट बेसिस और आई शेड उसका कंप्लीट रिव्यू विद मेकअप डेमो। सो गाइस, यही थी आज की हमारी वीडियो। आई होप सो कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।